हमारी मांग बिल्कुल साफ है कि हमारा 200 जो पॉइंट रोस्टर था वो बिल्कुल जो की तो रहना चाहिए। कॉलेज है ये सिंगल यूनिट मान करके, जैसे पहले था कॉलेज को सिंगल यूनिट मान के, वैसा ही होना चाहिए। और हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा 200 पॉइंट रोस्टर लागू नहीं हो जाता। नमस्कार सीमा माथुर जी, इस समय पूरे भारत की जो एक विडंबना चल रही है, बहुत बड़ी विडंबना है कि पूरा भारत त्राही त्राही कर रहा है। एक तरफ आप लोगों को कहते हैं कि जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, भारत निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन आज वो निर्माण करता ही रोड पर आकर अपनी मांगों को मान रहे हैं, तो क्या आपकी मांगे हैं? सर ये तो बहुत बड़ी विडंबना है जो आपको आज देखने को मिल रही है कि शिक्षक जो राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं और आज वो सड़कों पर उतरे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। हम सब यहाँ पे जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आया है उसके खिलाफ है, क्योंकि इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि जो SC ST की जो सीट है, OBC की जो सीट है, वो बिल्कुल चली जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा जो हमें रिजर्वेशन दिया है, और रिजर्वेशन का मतलब हमें कोई भीख नहीं दी है, बल्कि वो हमारा हक है, जिससे कि हम सदियों से जो पीड़ित थे वो हम भी अपना भागीदारी कर पाएँ, अपना पार्टिसिपेशन कर पाएँ। तो यहाँ पर हम जो है रिजर्वेशन को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बल्कि अपने अधिकारों के हक के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये सरकार को देखना होगा कि जो शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता हैं आज वो सड़कों पर उतरे हैं, तो सरकार इस तरफ ध्यान दे कि वो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे, ना कि वो सड़कों पर इस तरह से उतरे। मैम एक तरफ वो जो भारतीय संविधान की आप बात कर रही हैं, और संविधान के अंदर जो धारा है वो सुप्रीम कोर्ट एक एक करके कुठारा घात कर रहा है, तो आपको क्या मानना है? ये जो सुप्रीम कोर्ट, पहले तो ये बात समझनी होगी कि जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, ना कि जुडिशियरी के पास। जुडिशियरी जो है वो अपनी सीमाओं को लांघ कर आगे बढ़ रही है, तो उसका हमें विरोध करना ही होगा। जैसे अभी SC ST एक्ट आया है, वो एक ऐसा हथियार है लोगों के हाथ में, खास करके जो SC ST है उनके हाथ में, क्योंकि जो ऑफेंस होता है उनके खिलाफ वो कोई एक ऑफेंस नहीं होता है, बल्कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफेंस होता है। क्योंकि ऑफेंस करने वाले लोग जानते हैं कि वो फलानी जाति का है, वो भंगी है, कि वो चमार है, और वो जानबूझकर इंटेंशनली उनके साथ इस तरह के अत्याचार करते हैं, जिनके खिलाफ ये जो टूल था। अब ये सरकार और ये सब चाहते ही नहीं है कि इस तरह की कोई टूल जो है उनके हाथ में रहे, जिससे कि वो अपने अधिकारों की मांग कर पाए। तो ये सब सोची समझी चाल है कि धीरे धीरे कैसे आरक्षण को खत्म किया जाए। उसी लाइन में एक है कि SC ST जो एक्ट है उसको खत्म करने की बात जो है वो आई है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, तो उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। जुडिशियरी को अपनी जो सीमाएं हैं वो लांघनी नहीं होंगी बिल्कुल भी, क्योंकि कानून बनाने का हक, उस पर निर्णय देने का हक जो है वो जुडिशियरी का नहीं, बल्कि वो सरकार पार्लियामेंट का है, संसद का है। सीमा जी, ये तो पहले ही अनंत कुमार हेगड़े जी ने कुछ महीने पहले बोल दिया था कि हम जो आए हैं संविधान को चेंज करने आए हैं। तो संविधान, ये तो जुडिशियरी ने ही कहा था, बहुत सारे निर्णयों के माध्यम से जुडिशियरी ने ये तय किया है कि संविधान का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है जो बाबा साहब ने हमें दिया, उसको तो कोई भी बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज, बट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स इट कैन बी चेंज, बट इट नॉट इंटेंशनली कि जो दलित हैं, जो OBC हैं, जो SC ST हैं, महिलाएं हैं, उनके अधिकारों का हनन करके उसमें चेंज किया जाए। हाँ, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, समय के हिसाब से क्या मांगे, उसके हिसाब से उसमें बदलाव आना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन को ख़त्म करना, संविधान में बदलाव लाना बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल सरासर गलत है, और उसके खिलाफ हम जो शिक्षक हैं वो लामबंद होते रहेंगे, और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि समाज के जो दूसरे लोग हैं वो भी आगे आए और हमारा साथ दें। मैम जिस तरीके से आपने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेती है या जो भी जजमेंट देती है उसमें सरकार को इन्वॉल्व करती है, जब एट्रोसिटी का जो मैटर आया उसमें अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर को जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से आर्गुमेंट करने के लिए किसी को नहीं भेजा। वो तो चाहती है ना कि सरकार, जुडिशियरी का भी क्या कहना था, जुडिशियरी अभी ये कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जज हैं वो ये कह रहे थे कि इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप नहीं लिया, बल्कि सरकार ने ये ऐसा लेके आई है कि एक डॉक्यूमेंट वो लेके आई है कि इसमें किस तरह का चेंज होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। अब ये दोनों पार्लियामेंट और सरकार और ये जुडिशियरी मिलकर के क्या खिचड़ी पका रहे हैं,
वो जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि जुडिशियरी में जो 100% जुडिशियरी है उसमें 97% ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो एक जो दलित समुदाय है, जो एससी एसटी और महिलाएं हैं, उनके हक की बात करेंगे, क्योंकि 3% ब्राह्मण 97% सीटों पर बैठे हुए हैं। तो ये देखना होगा कि पार्टिसिपेशन कहाँ पे है और कौन किसकी आवाज उठा रहा है। मना अभी तो 2 तारीख को 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, उसमें अधिकतर सभी समुदाय के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, उससे सरकार हिल गई। और जिन लोगों ने बंद किया था उनको टारगेट बना बना के, लिस्ट बना के उनके साथ जाती कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। सर वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, जो ये कहा जा रहा था कि भारत बंद में जो ये लोग हैं वो अत्याचार मतलब कि हिंसा पे उतर आए हैं। जो हमारा प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कहीं पे तोड़फोड़ नहीं करनी थी, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी थी। तो अब बाद में जो वीडियो जो वायरल हो रही है फेसबुक पे, तो उसमें बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि पुलिस ने ही खुद तोड़फोड़ की, उनके जो लोग थे उन्होंने तोड़फोड़ की भीड़ में शामिल होकर के, और ये दिखाना चाह रहे थे कि ये मूवमेंट कैसे भी बंद हो जाए, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे और हम अपना संघर्ष जो है वो जारी रखेंगे। धन्यवाद।